जाग दिया दे रहिंदे पाग सुते, कईयां जाग दिया दे रहिंदे पाग सुते, किते पाग लौना पईयां सुतियां। खुदा तेरी कितनी कर्म नवाजी है, कई जागते भी ऐसे रह जाते हैं, उनकी कर्म नवाजी हो, सूतों पे कर्म नवाजी कर जाता है, चिकड़ भरियों को गल लगा लेता है। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, क्या भगत वच्छल दीन बंधु, कष्ट मोचन जान के, जो के निर्धन था सदामा, उसको शहनशाह कर दिया, मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, पर गही जिस पर नजर बंदे से मौला कर दिया। कईयां जाग दिया दे रहिंदे पाग सुते, किते पाग लौना पईयां सुतियां नूं। हाँ, कई कर दिया नित दीदार तेरा, कई तरस दियां तेरियां बुतियां नूं, कई कर दिया नित दीदार तेरा, कई तरस दियां तेरियां बुतियां नूं, कई चुम दियां सिर दा ताज तेरा, कई चुम दियां सिर दा ताज तेरा, कई तरस दियां तेरियां जुतियां, कई चुम दियां चुम दियां बारी रे राम रे ओ कई चुमदियां सिर दा ताज तेरा, कई तरस दियां तेरियां जुतियां, कई चुम दिए ये रंग ये मानी दानी दानी मारे दानी दानी चो चुम दिया सिर दा ताज तेरा, कई तरस दिया तेरिया जुतियां नू। गुलाम भरी दा जिस ते ओ मेहरबान होवे, जन्नत वार देंदा फाड़ कुतियां। मैं नीवा मेरे सतगुरु उच्चे, मैं नीवा मेरे मुर्शद उच्चे, ते मैं उच्चियां दे संगिलाई। जो बात दवा से बन ना सकी वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से बन ना सकी वो बात दुआ से होती है, जद कामल मुर्शिद मिलता है फिर बात खुदा से होती है। क्यों, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात ही नहीं। इन्हां फकीरां दी कर्म नवाजी है। ओ मैं नीवानी हो, मैं नी सदके जावा उन्ना उच्चियां ते,
वो जिन्ना नीवियां नाल न भाई वो वे सोने दिया बुल्ले नू लोकी मती दें दिया बुलिया बैजा विच मसीती बुलिया आ बैजा विच मसीती ता बाबा बुल्ले शाह कहिंदे विच मसीता दे की कुछ होंदा जे दिलो नमाज ना नीती विच मसीता दे की कुछ होंदा जे दिलो नमाज ना नीती बारों पाक किते की होवे जे अंदरे रही पलीती हाँ बिना मुर्शिद काम ले बुलिया ऐमे गई आई इबादत की थी वाह वेसों ने दिया कंगना कंगना वे सौदा इको जिया ए दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया ओ वे सोने दिया प्यार वाला लाया वे क्यों मैं इश्क दिया दो चार बातां सुनाउन लगा हां इश्क ना होंदा ए मखलूक ना होंदी सब तो पहले खुदा नु इश्क लगा ए मखलूक साजी दुनिया बनाई दुनियादारी दे विच रूप आई जेड़ी बोलदी पई है रूप आई और इश्क ने अपने पासे खिंच लिया दुनिया नु थोड़ी जी बात याद आई पीर वारिशा ने लिखिया है अवल हमद खुदा दा विरद कीजे इश्क कीता सो जग दा मूल मियां और पहले आप ही रब ने इश्क कीता अते मशूक सी नबी रसूल मियां ताकी दसिया इश्क ने अपने पासे खिंच लिया उस इश्क दिया दो चार गल्ला सुनाउ लगा किवें मैं इश्क वाले इश्क वाले इश्क वाले वेड़े इश्क वाले कम ने अवले जीते पेश पै जांदा कख छड़दा नी पल्ले
ਬੇਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੱਕ ਚੜਦਾ ਨੀ ਪੱਲੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰੇ ਦਿਨ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰੇ ਦਿਨ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮਜਨੂੰ ਦੀਵਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਜਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਲਾ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੈਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਲੈਲਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਰੱਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੈਲਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਲੈਲਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਮਰਦੇ ਜਿਸ ਜੰਨਤ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ ਫੜ ਕੇ ਪੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਸੀ ਜਾ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ਵੜਦੀ ਮਜਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਲਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੱਟੀ ਤੇ ਲੈਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮਜਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਲਿਖੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਮਜਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸੇ ਲਾਏ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਜਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਈ ਤੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੋ ਲੈਲਾ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਲਾਏ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਲਾਏ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਲਾਏ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਸ਼ਤੋ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆ ਮਜਨੂੰ ਕੋ ਬੁਲਾ ਕਰ ਲਾਓ ਮਜਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੈ मजनून के पास क्यों जाए मजनून के पास क्यों जाए अगर खुदा को जरूरत है तो लैला बन के आ जाए इश्क वाले बेड़े बेड़े इश्क वाले बेड़े इश्क वाले बेड़े बेड़े इश्क वाले बेड़े इश्क वाले बेड़े सजना बूटा प्यार वाला लाया इश्क वाले बेड़े सजना ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਵੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੇ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੰਗਣਾ ਵੇ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੰਗਣਾ ਵੇ ਸੌਦਾ कौन से बुजुर्गों ने एक जैसा किया है बाबा नानक जी आए तेरा तेरा तोल गए गुरु के नाम पर तेरा तेरा तोल गए सौदा एक जैसा कर दिया गुरु गोविंद सिंह देश की खातर धर्म बचाने की खातर एकता की खातर अपना परिवार सारा लुटा दिया सौदा एक जैसा कर गए ख्वाजा गुलाम फरीद बहुत सूफी फकीर थे वो क्या करया करते थे वो जिस सूरत को देखना कहना वाह परवरदेगार अल्लाह ताला ये सूरतें कहां पर बैठकर बनाता है एक दूसरे से मिलने नहीं देता ता कोई आकर कहने लगा बाबा सारा दिन सूरतें ही देखा करता है उनकी इबादत भी करता है तो आप कहने लगा भैया मैं वो लकड़ी के तस्बीह के दाने नहीं गिनता मेरी तस्बीह के दाने कौन है ये जितनी अच्छी सूरतों वाले हैं मेरी तस्बीह के दाने ये जो खुदा की सूरतें बनाई हैं जितनी अच्छी सूरतों वाले हैं मेरी तस्बीह के दाने हैं निगाहों में फिरते रहते हैं इबादत होती जाती है तो बाबा बुल्ले शाह कहते ने बुलिया
ओए मंदिर ढा मसीता ढा ढा दे जो कुछ ठहिंदा पर इक ना ढावी दिल बदे दा मेरा रब दिला विच रहिंदा। बुलिया रब दा नाम भवे लाओ ना लाओ पर आई सूरत नू वेख के राजी ता रहो, हर सूरत विच आवे यार। जदों ये बात हुई बंदा लाजवाब हो गया, अपनी जगह पर जा बैठा। फकीर आगे बढ़ गए। आज तो मनो फकीर देखते क्या है, बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने महलों में बाल सका रही। उस फकीर की नजर उस बच्ची की तरफ चलेगी, कहने लगा वाह परवरदिगार अल्लाह ताला इस बच्ची को बनाकर ऊपर से अभी भेज रहा है, ये कितनी खूबसूरत है, कहां पर बैठकर बना रहा था। तमाम दुनिया देखने लग पड़ी कि फकीर एक लड़की के मजाक कर रहा है, वो अपनी इबादत कर रहा है, तो दुनियादारी ने समझा के मजाक कर रहा है। उस औरत ने अपने मालिक को कहा, अरे मेरे मालिक नीचे देखो फकीर मेरा मजाक उड़ा रहा है, तमाम दुनिया देख रही है। सौदा एक जैसा होने लगा। उसका मालिक जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे आया, फकीर के 5-7 जूते लगा दिए। तो फकीर फिर हंसे, कहने लगे वाह परवरदिगार अल्लाह ये भी तेरी सूरत भेजी आई थी। ऐ परवरदिगार अल्लाह ताला जो तेरी सूरत को प्यार करते हैं उनको जूते पड़ते हैं, मेरा की है गरीब दा जाना तक्के पहने तेरे नाम नु। फकीर की फरियाद सुनी गई। जब वो सीढ़ियां चढ़कर जा रहा था पैर पिछला, गशका कर नीचे आन गिरा और खत्म हो गया। नीचे आन गिरा खत्म हो गया। उस औरत ने शोर मचा दिया, रे लोगों इस फकीर ने मेरा मालिक मार दिया है। तमाम लोगों ने पकड़ लिया, बाबा इस औरत का मालिक तूने मारा है। तो आप कहने लगा, भैया मैं कौन हूं मारने वाला, ये तो मालिको मालिको का झगड़ा हुआ है। सभी हैरान परेशान के बाबा मालिको मालिको का कैसा झगड़ा हो गया। वो बोलने लगे, बेटा ये औरत का मालिक था, मेरा भी तो कोई मालिक है। बाबा क्या हुआ, ये सौदा एक जैसा हुआ कैसे हुआ। तो कहने लगे, हिस्सेदार जो मालिक आया, हिस्सेदार जो मालिक आया, मेरे सर में जूते लगा गया।